एपांस, आज तेरी बीना और मेरी मीना का बर्थडे है, गिफ्ट कहां से लाएंगे यार? मुझे लगा वो आदमी स्मगलर होगा, उसके बैग में माल होगा, लेकिन साले जूते सैंडल निकले। एपांस, वो देख। ये भगवान, पैसे का टकसार, सेठ मंगल भाई डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक। आज से हमारा नया बाप। बाप? अबे माय बाप। इक्का दुक्का तिया दू। नमस्ते नमस्ते हे प्रभु। पिताश्री। कौन छे तू? पिताजी, पिताश्री, मेरी माँ को छोड़कर आप कहाँ चले गए थे? पिताश्री, आपको काका ने ढूंढा, जापान की जेल में, अमेरिका की रेल में, खट्टे मीठे भेल में, खोपरे के तेल में, समोसे में ढूंढा, आलू में ढूंढा, प्याज में ढूंढा, मगर ना मिला बाप, मिला घास में छुपा सांप। बचाओ बचाओ, आज वो पागल आदमी मेरे को सांप बोल रहा है, सांप बोल रहा है, बचाओ बचाओ, पुलिस को बुलाओ, 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 पुलिस को बुलाओ। अरे क्या कर रहे हैं आप? पुलिस को बुलाओ। पुलिस को बुलाएंगे तो आप अंदर हो जाएंगे। क्यों? ये चीफ मिनिस्टर का बेटा है। क्या कह रहे हो तुम? थोड़ा स्क्रू ढीला है, इकलौता बेटा है, इतना लाडला है, बस इसके पागलपन की वजह से परेशान रहते हैं, घर से कभी भी भाग निकलता है। लेकिन तुम्हें कौन छो? मैं पिए। तुम पिए और वो पागल है? मैं चीफ मिनिस्टर का पिए हूँ। ओह, और मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया है, वो किसी भी वक्त आपको फोन कर सकते हैं। हेलो, मैं चीफ मिनिस्टर गुलाटी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, सलाम साहब, सलाम साहब। गुलाटी साहब, आप फिकर मत कीजिए, आपका बेटा गुलाटी खाकर मेरी गोद में आ गया है। वेरी गुड। अब एक अच्छी आया की तरह उसकी देखभाल करते रहिए। जी जी, मैं उसको अपनी धोती का झूला बना के झूलाते रहूंगा। बहुत अच्छे। लेकिन उसके लिए आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। देखो, मैंने दारू का लाइसेंस बंद कर दिया है। दारू बारू में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। मटके का लाइसेंस मैंने कब का बंद कर दिया है? अरे मटका तो मैं कब का तोड़ चुका हूँ। फिर क्या चाहिए तुम्हें? मुझे चाहिए मेरे स्टोर के ऊपर एक फ्लोर बढ़ाने की परमिशन। अरे ये क्या, 10 फ्लोर बढ़ा लीजिए आप। 10 फ्लोर? 10 नहीं जी, मैं 5 फ्लोर बढ़ा लूंगा जी। मेरे कंपाउंड की वॉल जो है ना, उसे मैं थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ, 5 मीटर। अरे 50 मीटर बढ़ा लीजिए आप। 50 मीटर? मुबारक मुबारक, 50 मीटर। सेठ जी, कहिए मेरे लिए क्या हुक्म है? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं जी, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ, मुझे रिसीव करने के लिए बाहर आ जाइए। जी मैं आ रहा हूँ। हाँ, जब तुम वहाँ पहुँचू, मेरे बेटे की अच्छी देखभाल करते रहो, उसको बेटा बेटा कहते रहो जी। वो अपने अपने बाप को बहुत मिस करता है, जब से उसकी माँ गई है ना, बाप को बहुत मिस करता है। ओके, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके, हाँ अच्छा, नहीं तो वो भाग जाएगा। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए। बेटा बेटा मारो देख लो ये जो बेटा। पीए साहब, पीए साहब। हाँ बात हो गई। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद, मेरा मतलब है चीफ मिनिस्टर साहब खुद आ रहे हैं। हाँ? मेरे तो वारे न्यारे हो गए। कितने खुश नसीब हैं आप, वो खुद चलकर आ रहे हैं आपके पास। आप जाकर बाहर वारे न्यारे कर लीजिए, मैं अंदर कर लेता हूँ। अंदर क्या करेंगे? नहीं नहीं, उसका ध्यान रखना पड़ता है ना। हाँ। जरा जाते जाते उसको जरा कर लीजिए। बेटा गुलू 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 गुलू, मेरा स्वीटी पाई, मेरा बेटा, तू ठीक है ना मेरा बेटा? देखो, मेरे बेटे को बिल्कुल कोई तकलीफ ना होने पाए, समझे? मैं बाहर जाता हूँ, संभालना। हाँ गुलू, मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ। पिता दी। अच्छा, वही सेठ जी का लड़का? हाँ, कहीं छुपा के रखा होगा। हाँ, कहीं छुपा के भी रखी होगी। तो, कितना पगल है तुम्हारा? 2000। तुम्हारा कितना? 2500। इसका मतलब 2500 के ऊपर किसी को पगार ही नहीं मिलती। बहुत नाइंसाफी है। मिलेगा सबको, बराबर मिलेगा। ए सांबा, खोल तो जरा गल्ला और बता, हमरे बापू ने हमरे लिए कितना पैसा छोड़ा है? 2 लाख पूरे हैं सर। पूरे 2 लाख? बहुत अच्छे। ये लो 50,000 रुपए और मंगल भाई के बेटे की तरफ से सबको बांट दो।
शुक्रिया साहब। और ये 1.5 लाख रुपए से हम अपने कड़के दूर करेंगे। ए बुड्ढा, अरे सुनो भाई, सुनो, ये सरकार ने दिया है तुम लोगों को इनाम में, सभी लोग बांट लो। रख लो भाई, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये? सेठ जी, आपका बेटा बड़ा दयालु है, गल्ले में से 2 लाख रुपए लिए और 50,000 रुपया हम लोगों को इनाम में दे। अरे कोई बेटा बेटा नहीं है मेरा, ये लोग सब फ्रॉड बदमाश लोग है। पकड़ो पकड़ो, पुलिस को बुलाओ, पुलिस। कल तुम दोनों ने मंगल भाई के शोरूम से जो 1.5 लाख की हेरा फेरी की थी, कहाँ है वो रुपया? 1.5 लाख का हेरा फेरी? हाँ, 1.5 लाख की हेरा फेरी। 1.5 लाख हीरा पन्ना, वो 1.5 लाख रुपया कहाँ है? वो तो इंटरेस्ट पे चढ़ा दिया। इंटरेस्ट पे चढ़ा दिया? बाप का माल है जो इंटरेस्ट पे चढ़ा दिया। ए इंस्पेक्टर साहब, हम लोग बहुत इज्जतदार आदमी है। देखो साहब, माँ पे नहीं जाने का पहले बोलता है। ए, तुम साला इडियट रास्कल, जब 1.5 लाख का हेरा फेरी किया तो तुमको अपने बाप का याद नहीं आया, और अब ब्रिगेंजा को तुम हमदर्दी दिखा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, लेके जाओ साले को। चलो चलो, कैसा बाप है ये? जहरीला सांप है। चलो हवलदार, गाड़ी रोको। चलो तुम दोनों उतरो गाड़ी से। ये साहब, यही वो बंगला है। झूठ बोलते हो तुम। अरे आपकी वर्दी की कसम, बेल्ट की कसम, टोपी की कसम, आपके बाल बच्चों की कसम। साहब, अरे यार, काय को सच्चा बात पे कसम खा रहा है? साहब, यही वो बंगला है जहाँ हम लोगों ने पैसा इंटरेस्ट पे दिया है। तो चले। अरे साहब, क्या है, कैश का मामला है। पार्टी घबराती है, पुलिस को देखकर समझा कीजिए आप। एक काम करते हैं, मैं आपके पास गिरवी रहता हूँ, तू जा माल लेके। मैं तो नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, तुम्हें कौन छो? मैं आपका नया मैनेजर हूँ। अच्छा अच्छा, क्या काम है? सेठ जी गए। आशुत ही गए हो। हे भगवान, उससे अच्छा मुझे उठा लेते। सीतानी जी, आप तो सोच रही हैं वैसा नहीं है। सेठ जी, सर्वनाश हो गया, सत्यानाश हो गया। क्या हो गया, फिर से रेस में हार गए क्या? केस में। कौन सा केस? मैंने सेठ जी को कितना समझाया कि हिसाब में काला पीला मत करो मत करो, नहीं माने। आखिर आ गए ना इंक्वायरी के लिए। कौन? इनकम टैक्स ऑफिसर। हे भगवान, ये इनकम टैक्स ऑफिसर है? नहीं लगते ना, मगर है। अच्छा अच्छा, ये मुझे घूर के क्यों देख रही है? कहीं मैंने उसका कभी पर्स तो नहीं मार दिया? क्या बोला? नहीं साहब, कुछ नहीं, ऐसे ही। सिटन जी, ये हार कितने का है? 20 लाख का है। 20 लाख गए गए गए। और ये चूड़ियां? 10 लाख की। 30 लाख रुपए। अब ये इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन ये दागीने नहीं दूंगी। घर में कैश कितना है? 3 लाख छे। ये 30 लाख रुपए बचाने के लिए ये 3 लाख तो गवाने पड़ेंगे ना? क्या? मैं कोशिश करूंगा 3 लाख रुपए पटाने की उसको। अच्छा ठीक है, मैं जरा सेठ जी से पूछ कर आती हूँ। क्या कर रही हैं आप? सेठ जी हार्ट पेशेंट है, सीधे खाट पे आ जाएंगे। आशु बोलो जो। इससे पहले तो ऐसा खा चुके, उन्होंने मुझे कसम दी थी कि सिटानी को मत बताना, लेकिन क्या करूँ, उस टेंशन की वजह से मुझे कसम तोड़नी पड़ रही है। हे भगवान, हवे में शू करो। कुछ मत करो, 3 लाख की अगरबत्ती जलाओ और ये इनकम टैक्स के मच्छरों को भगाओ। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं पैसे लेकर अभी आती हूँ। जल्दी जल्दी, तुम कहीं मत जाना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं भी आती हूँ। हे भगवान। ये लीजिए 3 लाख रुपए और जल्दी से इस मुसीबत को भगाइए। अरे अभी भगा दिया, मगर सेठानी जी कमाल है, आप बेफिक्र रहिए, भगवान सब ठीक करेगा। अरे अब जाइए ना। हाँ अभी गया। हीरा, बहुत टाइम हो गया, अंदर चले क्या? भगवान, वो देखो माल लेके आ रहा, वो देखो। ये रहे मंगल भाई के 1.5 लाख रुपए और ये हमारे 1.5 लाख तुम्हारे इंटरेस्ट के। सब अभी तो आपको यकीन आ गया ना, हम लोग सब सच्चे लोग हैं। क्यों भाई? अभी निकलना चलना, काको बड़बड़ा रहा, जाना चलना। चल चल चल, हां ठीक है ठीक है। अरे अरे इंस्पेक्टर खन्ना साहब, अरे अरे आओ आओ इंस्पेक्टर खन्ना साहब, वो दो चोर का नेम प्लेट लगा
हाँ खान साहब, खान साहब सॉरी, वो दो चोर का कुछ पता लगा? वो दोनों भी मिले और आपके 1.5 लाख भी मिल गए। हैं? अरे वो दो चोर पैसे दे गए, ये चमत्कार हुआ कैसे? वो दोनों आए, उस सामने वाले बंगले में गए, वहाँ से 3 लाख लेकर आए, 1.5 लाख मुझे दिया और 1.5 लेकर गए। ये सामने वाला बंगला? ये सामने वाला बंगला। ये बंगला तो मेरा है, इसका मतलब वो पैसा भी मेरा ही बाहर के लाए। अरे अरे अरे, वो लोग फिर से मेरे को चूला लगा गए। अरे सामलो छो। हाँ वो हमारा डिक्री। अरे डिक्री नहीं, बीवी। हाँ हाँ बैरी बैरी बैरी। क्या यही वो चोर थे? हाँ हाँ वही दो चोर थे, शनि मंगल, जिसने पहले भी मुझे 1.5 लाख का चूना लगाया था, आज फिर से लगा गए। सिर्फ तुमको और मेरे को चूना नहीं लगाया, पुलिस डिपार्टमेंट को लगाया, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर खन्ना साहब को भी लगाया। नेम प्लेट प्लीज। हाँ खान साहब, खान साहब को भी लगाया। अभी कौन बाकी है?